हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत सारे स्मार्टफोन थे जो हमने देखे सितंबर मंथ में और अक्टूबर मंथ में, तो अब बारी है नवंबर मंथ के स्मार्टफोन जानने की। तो आइए जान लेते हैं ऐसे कौन से स्मार्टफोन हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं सैमसंग की। तो जी हाँ, सैमसंग M22 हमें देखने को मिल सकता है नवंबर मंथ में। इसमें हमें मिल जाती है 5000 mAh की बैटरी, 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, और इसमें हमें मिलता है 48MP क्वाड कैमरा, और ये मोबाइल हमें मिल जाता है 13,000 से 14,000 की रेंज में। तो दूसरा मोबाइल जो हमें देखने को मिल सकता है वो है सैमसंग S21 FE, और इसमें देखने को मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 25W की फास्ट चार्जिंग, और मिल जाती है 45,000 mAh की बैटरी, मिल जाता है स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर, और ये मोबाइल आएगा 50,000 से ऊपर। आइए हम बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट स्मार्टफोन जो हमें देखने को मिल सकता है इन द मंथ ऑफ नवंबर, वो है रेडमी नॉट 10 पावर और रेडमी नॉट 10, क्योंकि रेडमी नॉट 11 की सीरीज अभी ग्लोबली लॉन्च हुई है। तो रेडमी नॉट 11 तो हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो नवंबर मंथ में हमें देखने को मिल सकता है रेडमी नॉट 10 और रेडमी नॉट 10 पावर। इसमें हमें मिल जाता है 18W की चार्जिंग, और इसमें हमें मिलता 5000 mAh की बैटरी, और ये मोबाइल हमें मिल सकता है 10,000 से 13,000 या 14,000 की रेंज में। इसमें मिल जाता है मीडिया टेक जी प्रोसेसर, G80 या 85 प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिल सकता है। जी हाँ, नवंबर मंथ में हमें देखने को मिल सकती है वीवो T1 या T1X सीरीज। इसमें होगी एक पावरफुल चिपसेट 778 चिपसेट इसमें हमें देखने को मिल सकती है। ये आएंगे 900 डायमेंसिटी के साथ, और ये इनकी रेंज हो सकती है 20,000 से 30,000 के बीच में। तो अगर आप वीवो का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको नवंबर मंथ में देखने को मिल सकता है उसकी T1 या T1X सीरीज। अब हम बात कर लें अपने नेक्स्ट स्मार्टफोन की। जी हाँ, रियलमी GT New 2T ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, और उसका प्राइस 25,000 बाहर है। अब देखिए इंडिया में वो किस प्राइस में आता है, लेकिन नवंबर मंथ में आपको देखने को मिल सकता है रियलमी नार्जो 50 Pro, और उसकी प्राइसिंग हो सकती 17,000 से 18,000 की रेंज में। इसमें आपको IPS पैनल मिलेगा, और मिल जाएगी एक पावरफुल चिपसेट यानी 778G चिपसेट आपको देखने को मिलेगी। Realme GTX foldable स्मार्टफोन ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, अब देखिए इंडिया में वो हमें कब देखने को मिलेगा। IQ8 सीरीज भी हमें नवंबर मंथ में देखने को मिल सकती है, और इसकी रेंज हो सकती है 40,000 से 50,000 के बीच में। इसमें आपको देखने को मिल सकता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद स्नैपड्रैगन 880 प्रोसेसर के साथ में। ZX सीरीज भी हमें नवंबर मंथ में देखने को मिल सकती है, और इसमें मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर, IPS LED पैनल विद फास्ट चार्जिंग, और ये आ सकते हैं 16,000 से 17,000 की रेंज में। मिलता है हमें स्नैपड्रैगन 880 प्रोसेसर, और ये आते हैं 900 डायमेंसिटी के साथ। एक Z सीरीज के बारे में क्या ही बोले, वो काफी टाइम से वेटिंग में है, बहुत टाइम से हमें वेट करवा रहे हैं। तो हो सकता है कि नवंबर मंथ में हमें Asus 8Z सीरीज देखने को मिल जाए। माइक्रोमैक्स अपने 5G फोन लेके आ सकते हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो नवंबर मंथ में हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकता है जियो फोन नेक्स्ट। हमें देखने को मिल जाती है 215 चिपसेट विद 2GB रैम के साथ में। ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल फोन है, यानी कि ये मिल जाते हैं अंडर 4000 की रेंज में। 3500 से 4000 की रेंज में आपको जियो फोन नेक्स्ट देखने को मिल सकता है इन द मंथ ऑफ नवंबर। अब हम बात कर लें ओप्पो रीनो 6 सीरीज की। तो वो काफी अच्छे मोबाइल थे, 5G रेडी मोबाइल थे, उनके कैमरे काफी पसंद किए गए हैं। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि नवंबर मंथ में हमें देखने को मिल जाए
ओप्पो रीनो 7 सीरीज और उसके साथ साथ हमें देखने को मिल सकते हैं ओप्पो रीनो K9 और K9 प्रो सीरीज, क्योंकि ये ग्लोबली लॉन्च हो चुके हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये हमें नवंबर मंथ में इंडिया में भी देखने को मिल जाए। तो इसमें आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन 7 8 प्रोसेसर और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में देखने को मिल सकते हैं, यानी ये आ सकते हैं 20,000 से 30,000 की रेंज में। तो आइए हम बात कर लें Xiaomi की। तो Xiaomi 11 टी सीरीज ग्लोबली लॉन्च हो चुकी है और इंडिया में ये नवंबर मंथ में देखने को नहीं मिलेगी, पर हाँ दिसंबर मंथ में देखने को मिल सकती है और बाकी तो जब ये आएंगे इंडिया में तभी हमें इसके बारे में पता चलेगा। तो आइए हम बात कर लें पोको की। तो पोको की बहुत सारी सीरीज आ सकती हैं, एम सीरीज, एक्स सीरीज या एफ सीरीज, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं नवंबर मंथ में हमें देखने को मिल जाए पोको M4 या पोको M4 Pro, जो कि 720 डेंसिटी के साथ देखने को मिलेगी और ये 5G रेडी मोबाइल है। तो हम डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं कि नवंबर मंथ में हमें देखने को मिल जाए पोको M4 या पोको M4 Pro। तो आप मुझे बताइए कि आप कौन से स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।